हेलो स्टूडेंट तो सॉरी अब माइक बंद हो गया था ठीक ना तो हम क्या बताए थे कि हाँ हम देखने वाले हैं सेशन में एस एस सी जी डी ठीक ना एस एस सी जी डी एग्जाम दो हज़ार तेईस में जो भी पूछा गया क्वेश्चन है ना जनवरी सेशन में मतलब कि जो अभी एस एस सी जी डी का एग्जाम चल रहा है उसमें पूछे गए क्वेश्चन को हम डीप एनालिसिस करने वाले ठीक ना आज हम देखने वाले हैं जी के जी एस का एनालिसिस करने वाले ठीक ना जो पूछा गया क्वेश्चन है कई टाइप क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन आगे पूछा जा सकता है हम उस टाइप का क्वेश्चन देखने वाले ठीक है तो आप नए हैं तो इस चैनल को जब जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए कैसे ढाई बजे अब डेली लाइव चलने वाला ये क्लास ठीक है तो अब बढ़ते क्वेश्चन की ओर तो देखिए जैसे ये क्वेश्चन हो गया हमारा तो देखिए हम इस क्वेश्चन में क्वेश्चन तो एक ही है लेकिन इससे हम रिलेटेड कम से कम पाँच छः जितना हो सके उतना क्वेश्चन जानेंगे ताकि हो सके कि इसके इर्द गिर्द भी क्वेश्चन आए तो हम उसका जवाब शांति से या आसानी से दे सके ठीक है इस टाइप से हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन होगा दस ही लेकिन दस में हम दस क्वेश्चन को बहुत डीप जानेंगे ठीक ना डीप जाने की जानने की कोशिश करेंगे ताकि आपका पढ़ हुएगा वो भी विजन भी हो जाएगा इसी से ठीक है तो क्वेश्चन फर्स्ट है संवेक का ऐसा ही मात्र क्या होता है ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन कब पूछा गया था जनवरी मतलब कि शायद दस को हाँ दस जनवरी कोई क्वेश्चन पूछा गया था ठीक ना संवेक का ऐसा ही मात्र क्या होता है संवेक का ऐसा ही मात्र क्या होता की तुण 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 है पहले देखेंगे संवे इज इक्वल टू क्या होता है संवेद को हम एम एम के द्वारा सूचित करते हैं ठीक है सॉरी पी के द्वारा हम संवे को सूचित करते हैं संवे को क्या बोलते हैं मोमेंटम बोलते हैं ठीक है मोमेंटम क्या बोलते हैं हम संवेद को इंग्लिश में मोमेंटम बोलते हैं ठीक है संवेद इज इक्वल टू क्या होता है तो इज इक्वल टू एम भी ठीक है तो इसका हम ऐसा माता का आसानी से निकाल सकते हैं मास देखिए मास क्या होगा मास का होगा के जी एंड वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ठीक ना मीटर पर सेकेंड ठीक ना ये हो जाएगा हमारे गीत का संबेग का एसआई माता ठीक है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा तो हम बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ठीक है तो हमारा अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी ये भी कब पूछा गया था तो ये भी 10 जनवरी को पूछा गया क्वेश्चन है ठीक ना 10 जनवरी शिफ्ट कोई सा भी हो सकता है शिफ्ट हमको उतना क्लियर याद नहीं है लेकिन शिफ्ट शायद फर्स्ट या सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है ठीक है क्वेश्चन था भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी ठीक ना क्वेश्चन अब पढ़े हो लेकिन हम हम तो इसका आंसर बताएंगे बताएंगे लेकिन इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हो सकता है उस सब का आंसर हम बताने वाले ठीक है तो ध्यानपूर्वक आप इस लेक्चर को देख सकते हैं ठीक है देखिए पूछेगा भारत की प्रथम महिला राज्यपाल क्या बोल रहा है प्रथम महिला राज्यपाल कौन था तो भारत का जो प्रथम महिला राज्यपाल थी वो कौन थी तो वो थी सरोजनी नायडू कौन थी सरोजनी नायडू ठीक है सरोजनी नायडू अब हम कुछ सरोजनी नायडू के बारे में कुछ हम फैक्ट जानेंगे ठीक ना तो उस फैक्ट को जानने के लिए हम अगला एक पेज लेते हैं ठीक है देखिए सरोजनी नायडू सरोजनी नायडू सरोजनी नायडू का जो कार्यकाल था वो था मात्र दो साल का वो था कब से कब तक 1947 से फोर्टी नाइन तक ठीक है देखिए सरोजनी नायडू सरोजनी नायडू पहली भारतीय थी, कांग्रेस थी? की कांग्रेस की अध्यक्षता की थी देखिए आप ऐसे बोलिए कि प्रथम महिला मतलब जो पहला मतलब महिला कांग्रेस अध्यक्ष था वो था एनी बेसेंट एनी बेसेंट का सुने होगा लेकिन एनी बेसेंट ठीक ना लेकिन एनी बेसेंट इंडियन नहीं थी एनी बेसेंट कहाँ की थी तो वो थी आयरलैंड की आयरलैंड की ठीक ना आयरलैंड की थी वो इंडियन नहीं थी तो क्वेश्चन आपसे पूछा पुछ, जा सकता है कि प्रथम भारतीय महिला ठीक ना प्रथम ऐसा कौन सा प्रथम भारतीय महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्षता की थी तो वो थी अपनी कौन सरोजनी नायडू ठीक न ना? सरोजनी नायडू इंडियन पूछे तो ऐसे पूछेगा कि सीधा प्रथम महिला अध्यक्ष अध्यक्ष कौन थी कांग्रेस की तो कौन होना जाएगा एनी बेसेंट अगर इंडियन पूछ देवे तो हो जाएगा हमारा सरोजनी नायडू ठीक है सरोजनी नायडू को हम सरोजनी नायडू एक बुक भी लिखी थी उस बुक का नाम था ब्रोकेन बिंग्स ब्रोकेन बिंग्स ठीक ना ब्रोकेन So, इसको पहले मिटा देते हैं छोट कर देते हैं, ठीक ना broken beans थी उस, उसका नाम था सबको काटने दीजिए पहले साफ हो जाएगा अच्छा से ठीक है देखिए सगोजनी नायडू एक बुक लिखी थी ठीक है उस बुक का नाम था क्या चीज उस बुक का नाम था ब्रोकेन बीन्स ब्रोकेन बीन्स ठीक ना beans, ये बुक के नाम इसको मतलब ये बुक लिखी थी ब्रोकेन करके ठीक ना उसके बाद सरोजी नायडू को कोकिला कोकिला भागत की कोकिला भी कही जाती थी ठीक ना भारत की की कोकिला क्या कही जाती थी भारत की कोकिला भी कही जाती थी ठीक है भारत की कोकिला भी कही जाती थी ठीक है उस हमको लगता है कि इतना आपके लिए इनफ होगा अगर ठीक है ना इतना होगा ना इनफ़ देखिए अभी कितना कुछ कर दे? आप जो कि महिला राज्यपाल कौन थी तो वो थी अपनी सरोजनी नायडू नो डाउट सरोजनी नायडू का कुछ फैक्ट हम जाने थे वो फैक्ट था वो फैक्ट था सरोजनी नायडू का कार्यकाल था वो कब से कब तक था तो नाइनटीन फोर्टी से नाइनटीन से नाइनटीन तक था ठीक है जो भारत की जो पहली भारतीय महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्षता की थी ठीक ना और इसके बुक का नाम क्या था एक बुक लिखी उस बुक का नाम था ब्रोकन विंग्स ठीक ना और अगर सरोजन नायडू को हम भारत की कोकिला भी कहते हैं ठीक ना भारत की कोकिला भी कहते हैं ठीक है आई होप आपको ये क्वेश्चन ज्यादा समझ में डीपली समझ में आया होगा अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर तो हमारा अगला क्वेश्चन आपके टेलीविजन स्क्रीन पे ये रहा अगला क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन क्या है इसको नीचे कर देते हैं क्वेश्चन को ऊपर ले जाते हैं क्वेश्चन अब हमारा है काली बंगा युद्ध के समय मौर्य वंश का शासक कौन था ये भी पूछा गया है दस जनवरी क्वेश्चन ठीक ना दस जनवरी दो हजार तेईस ठीक ना क्या पूछ रहा है कलिंग युद्ध के समय कलिंग युद्ध के समय मौर्य वंश का शासक पूछ रहा है कलिंग युद्ध के समय मौर्य वंश का शासक कौन था तो देखिए कलिंग युद्ध के समय जो मौर्य वंश का शासक था वो कौन थे तो वो थे अशोक बढ़े होगा अशोक ठीक ना अशोक थे मौर्य वंश के शासक ठीक ना अब हम जानेंगे मौर्य वंश के बारे में देखिए देखिए ये ये मतलब कि कलिंग कुलिं, कलिंग पर आक्रमण कब किया था तो मतलब ये आक्रमण मतलब किए मतलब थे छः से छ तक ले मतलब दो सौ इकसठ से दो सौ बासठ ईसा पूर्व में ठीक ना अटैक मतलब आक्रमण किए थे ठीक है क्या किए थे आक्रमण किए थे आक्रमण किए थे ठीक है और उसमें उसको विजय भी मिली थी क्या मिली थी विजय भी उस विजय भी मिली थी ठीक है विजय भी मिली थी ठीक है जिसमें लगभग एक लाख लोग एक लाख लोग इस युद्ध में मारे गए थे ठीक है और डेढ़ लाख लोग क्या हुए थे कैद किए गए थे क्या किए गए थे कैद कैदी बनाए गए थे डेढ़ लाख से ज़्यादा लोग ठीक ना अगर और इसमें जानना चाहें तो हम और भी आपको बता देते हैं और इसमें क्या जानेंगे हम और इसमें जान सकते हैं हम देखिए कलिंग कलिंग को या जो कलिंग है उसको अपना राजधानी कौन बनाया था कलिंग को अपना राजधानी कौन बनाया था तो कलिंग को अपना राजधानी बनाने वाले जो शख्स थे उस शख्स का नाम था तोसली ठीक ना तोसली 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 अपना मतलब कलिंग को क्या बनाए थे अपनी राजधानी बनाया था ठीक है और देखिए अशोक अशोक के बारे में जानकारी मतलब कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी देखिए कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी किस कहाँ से मतलब इसकी जानकारी मिली तो इसकी जानकारी मिली थी कहाँ से तेगावे तेगा हुए शिला लेख से ठीक ना न तेगा शिला लेख से मिली थी इसकी जानकारी तेगा हुए शिला लेख से इस युद्ध की जानकारी मिली थी ठीक है तो अच्छा होगा आप मतलब क्वेश्चन क्वेश्चन क्लियर है ना सबको देखिए इसमें अभी तक देखे क्या क्या वो सब देख हैं ठीक है इसमें हम अभी तक देखें क्या पुछ, क्वेश्चन ने पूछा था क्या कलिंग युद्ध कलिंग युद्ध के समय मौर्य वंश का शासक कौन था तो बताइए कलिंग युद्ध के समय जो मौर्य वंश का शासक था वो उसका नाम था क्या अशोक ठीक है अशोक उन दो सौ इकसठ दो सौ बासठ ईसा पूर्व में क्या किए थे कलिंग पर आक्रमण किए थे ठीक है उसमें क्या हुई थी इसकी विजय भी प्राप्त हुई थी ठीक है और उस, उस युद्ध में उस युद्ध में एक लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे ठीक है एंड डेढ़ लाख लोग उसमें कैदी के रूप में बनाए कैदी कैद किए गए थे कैदी के रूप में उसको बनाया गया था ठीक ना कैद किया गया था जेलों में कैद किया गया था ठीक है कलिंग कलिंग को अपना राजधानी जो बनाने वाले राज... राजधानी बनाए थे वो कौन तोस्ली। तोस्ली थे तोसली तोसली क्या किए थे कलिंग को अपना क्या बनाए थे राजधानी बनाए थे और एक क्वेश्चन और था कि कलिंग युद्ध की जानकारी कलिंग युद्ध की जानकारी कहाँ से मिलती है तो कलिंग युद्ध की जानकारी तेघावे शिला लेख से मिलती है ठीक ना तेगावे शिला लेख से कलिंग की जानकारी मिलती है तेघावे शिला लेख ही देखिये तेघावे शिला लेख के कौन सी बता देते हैं कि शिला लेख क्या था तेघावा शिला लेख सबसे बड़ा शिला लेख था ठीक ना सबसे बड़ा शिला लेख था सबसे बड़ा सबसे बड़ा क्या था सबसे बड़ा शिलालेख था सबसे बड़ा शिलालेख कौन था क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि सबसे बड़ा शिलालेख कौन था बताइए क्या 13वें शिलालेख सबसे बड़ा शिलालेख था ठीक है आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा ठीक है अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ठीक है तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ, ने कुछ इस मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा ये भी कब पूछा गया था तो ये भी कहने की बात नहीं है ये भी पूछा गया है जनवरी 2000 मतलब 10 जनवरी को पूछा गया क्वेश्चन ये भी ठीक ना किसने पूछा गया है तो पूछा गया एस एस ठीक है ना कहाँ एस एस में पूछा गया क्वेश्चन है ठीक ना एस एस में, में तो क्वेश्चन ये क्वेश्चन ये है कि चीन का दीवार चीन का दीवार किसने बनवाया था जो चीन का दिमाग होता है जो बहुत लंबा दिवाग है ठीक ना जिसे मूवी मूवी एक मतलब एक मूवी में दिखाया गया वो मूवी था चांदनी चौक टू चाइना उस मूवी में दिखाया गया चीन की दीवार ठीक ना चीन की दीवार किसने बनवाया था ठीक ना रहा यही चीन की चीन का दीवार किसने बनवाया था देखिए चीन का जो दिबाग बनवाया था वो कौन थे तो वो थे किन किन्सी किन, हुआंग ठीक ना किन्सी हुआंग किन्सी हुआंग, सि, हुआंग किन्सी हुआंग चीन का दिमाग बनवाया था ठीक ना अगर पूछ दे कि कि किन्सी हुआंग के किन्सी हुआंग के समय हमारे मतलब भारत के समकालीन वंश कौन था क्या पूछ लेगा समकालीन वंश समकालीन समकालीन वंश कौन था तो समकालीन वंश था कौन मौर्य वंश ठीक ना उस समय मौर्य वंश भारत में डोमिनेट कर गया था ठीक ना मतलब कि शासन में शासन में पूरी तरह से था कौन था मौर्य वंश कहीं पूछ ले कि मौर्य वंश का अंत कब हुआ था तब तो ये भी शांति से हम बता सकते हैं कि मौर्य वंश का जो अंत हुआ था वो अंत हुआ था अठारह सौ जा सॉरी एक सौ पचासी ईसा पूर्व में एक सौ पचासी ईसा पूर्व में मौर्य वंश का अंत हुआ था ठीक है आपको ये समझ में आया होगा ये बना कब तक ये बना मतलब कितने वर्ष में बना था तो ये बना था दो सौ बीस ईसा पूर्व से लेकर ठीक ना दो सौ बीस ईसा पूर्व से लेकर कब तक दो सौ ईसा पूर्व तक ठीक ना 220 ईसा पूर्व से लेकर 206 ईसा पूर्व तक ठीक ना आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा ठीक है हम देखते हैं इस क्वेश्चन मतलब फिर से देखते हैं रिपीट कर लेते हैं क्वेश्चन में हम क्या क्या देखे हैं ठीक है तो पहले हम देखे तो क्वेश्चन में ठीक है पहले हम क्या पहले क्वेश्चन था कि चीन का दीवार किसने बनवाया था ठीक है चीन का दीवार किसने बनवाया था तो हम बताए थे चीन का दीवार किसने बनाया किन्सी हुआंग किन्सी हुआंग ने चीन का विभाग बनवाया था ठीक ना अब वहीं एक और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन एक आ जाए कि मतलब किन्सी हुआंग के समय भारत के समकालीन समकालीन वंश कौन थे तो कौन वंश थे तो वो थे मौर्य वंश ठीक है और मौर्य वंश का जो अंत हुआ था वो अंत हुआ था कब तो वो अंत हुआ था एक ईसा पूर्व में एक सौ पचासी ईसा पूर्व में मौर्य वंश का अंत हुआ था ठीक है अगर पूछ ले कि चीन की दीवार कब से कब तक बनी थी तो वो बनी थी वो बनी थी दू -दू -दू कर, -चो चो तक, दो सौ बीस ईसा पूर्व से लेकर दो सौ छः ईसा पूर्व तक ठीक है दो सौ बीस ईसा पूर्व से लेकर दो सौ छ ईसा पूर्व तक ठीक है अयोपा आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर शायद फोर्थ या फिफ्थ होगा ठीक ना क्वेश्चन नंबर फिफ्थ अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोन नदी का उद्गम स्थान कहाँ है सोन नदी का उद्गम स्थान कहा है मतलब पूछ रहा है कि सोन नदी सोन नदी कहाँ से निकलता है ओके सोन नदी कहां से निकलता है ठीक है यही पूछ रहा है कि सोन नदी कहा से निकलती है ठीक है तो सोन नदी कहां से निकलती है सोन नदी निकलती अमरकंटक की पहाड़ी से कहां से अमरकंटक कंटक की पहाड़ी से निकलती सोन नदी सोन नदी निकलती अमरकंटक की पहाड़ियों से अमरकंटक की पहाड़ियों से ठीक है याद रहेगा अमरकंटक की पहाड़ियों से ठीक है अमर कंटक की पहाड़ियों से ठीक है आइए आपको याद याद होगा ये देखिए सोन नदी ठीक ना याद ना सोन नदी सोन नदी का उद्गम स्थान क्या है तो वो है अमर कंटक समझ गए ना अमर कंटक तो बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर इसमें ज्यादा नहीं था अमरकंटक से निकलती है बस इतना याद रखिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तो हमारा अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है वर्तमान में भारतीय संविधानों में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है क्या बोल रहा है वर्तमान में वर्तमान में तो आप वर्तमान में लगा कहे कितना चार सौ पंचानवे प्लस ठीक है चार सौ पंचानवे प्लस या ऑप्शन में अगर तीन सौ पंचानवे भी दिख जाए तो आप तीन सौ पंचानवे ही मार्ग सकते हैं मतलब जो ऑप्शन में दिख जाए दोनों में से वो लगाइएगा ठीक है यहाँ पे चार सौ सत्तर भी दिख जाए तो भी लगाइएगा ठीक ना लेकिन तीन सौ पंचानवे क्या था मूल था मतलब पहले इतना अनुच्छेद हुआ करता था लेकिन अभी बढ़ गया है तो पूछेगा वर्तमान तो उस समय भी आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही चलना होगा कैसे गूगल में देखिएगा तो तीन सौ पंचानवे ही अभी भी दिखाएगी ठीक ना आपको याद होना चाहिए कि मतलब उस समय जो जिस टाइप का ऑप्शन होगा हम उस टाइप से ही लगाएंगे ठीक है अब अगर बात कर दे अनुसूची की ठीक ना अनुसूची कितनी है तो अनुसूची अभी जो भारतीय संविधान में वो अनुसूची अनुसूची कितनी है बाईस ठीक है सॉरी अनुसूची कितनी है तो अनुसूची है बाघ अब पूछ दे भाग भाग कितना है तो भाग कितना हो जाएगा भाग हो जाएगा हमारा बाईस ठीक है समझ में आया क्वेश्चन था कि वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है तो उस समय ऑप्शन में देखना है ठीक है तीन सौ पंचानवे मूल है लेकिन अभी कहीं कहीं तीन सौ पंचानवे ही चलता है ठीक है लेकिन अगर दे दे चार सौ पंचानवे प्लस या चार सौ सत्तर प्लस तो आप इस इस में से इस तीनों में से कोई एक चॉइस कर सकते हैं मतलब कि ऑप्शन में जो दिखेगा उस पर हम ठीक कर देंगे ठीक है बात कर ले कि अनुसूची अनुसूची कितना है तो अनुसूची हो गया आपका बारह एंड भाग कितना है तो भाग अभी बाईस ठीक है अजय आपको ये क्वेश्चन बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि फीफा फीफा का मुख्यालय कहाँ है किसका फीफा का मुख्यालय कहाँ है फीफा का मुख्यालय कहाँ है जो हाल ही में, में फीफा वर्ल्ड कप हुआ था उसमें विजेता कौन बना था बताइएगा कमेंट में फीफा वर्ल्ड कप में जो विजेता बनी थी वो बनी थी कौन उसके मतलब प्रमुख प्लेयर उसका क्या नाम था मेसी जानते ना मेसी मेसी कहाँ गए थे मेसी कहाँ गए थे देखिए फाइनल मैच किसके भी, किसके बीच में, में हुआ था हुआ था फ्रांस फ्रांस और अर्जेंटीना फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच में हुआ था फाइनल मैच ठीक ना तो फ्रांस क्या कर गया था फ्रांस हार गया था अर्जेंटीना जीत गया था ठीक ना तो अर्जेंटीना ही मेसी अर्जेंटीना का ही कैप्टन है ठीक है कुछ इसी इसी इस, मतलब इसी के चलते ये क्वेश्चन आया था करेंट अफेयर में ठीक ना करेंट अफेयर का एक पार्ट कह सकते हैं देखिए जो करेंट में घटना घटती है ना उसी के हिसाब से वो क्वेश्चन सेट करता है तो उस समय फीफा हुआ इसलिए फीफा से रिलेटेड क्वेश्चन में जियोगिक जियोगिक फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है तो फीफा का मुख्यालय स्थित है जियोगिक में, तो में और जियोगिक कहा पड़ता है तो जियोगिक स्विटरलैंड कहा स्विट्जरलैंड सॉरी बुझा दिखने का है ना छोट करते को साइड करते हैं ठीक है तो जो फीफा का मुख्यालय है फीफा का मुख्यालय कहाँ है तो हम यहाँ पे लिखेंगे फीफा का जो मुख्यालय है वो कहाँ है जो ज्योगी ज्योगी कहाँ पकता है स्विट्जरलैंड में ठीक ना अरे यार स्विट्जरलैंड में ठीक ना स्विट्जरलैंड में पकता है ठीक है स्विट्जरलैंड को हम स्विट्जरलैंड को हम क्या कहते हैं चॉकलेटों का शहर कहते हैं कहते हैं ना चॉकलेटो का शहर चॉकलेटो का शहर ठीक है अब बात की बात की जाए कि फीफा फीफा का मतलब कि वो फीफा वो फीफा मतलब फीफा का स्टार्ट कब से हुआ था फीफा का गठन कब हुआ था तो फीफा का गठन जो हुआ था वो हुआ था कब उन्नीस में ठीक है 1904 में फीफा फीफा को गठित किया गया था ठीक ना उसके बाद अभी तक कंटिन्यू फीफा चल ही रहा है ठीक है तो आई होप आपको ये क्वेश्चन एकदम क्लियर होगा तो हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तो हमारा अगला क्वेश्चन तो हमारा अगला क्वेश्चन है पानीपत का तीसरा लगाई में पानीपत की तीसरी लगाई में मराठ मराठा का नेतृत्व क्वेश्चन गलत टाइप हो गया ठीक ना मराठा का नेतृत्व तो करता कौन थे मतलब मराठा का नेतृत्व तो कौन किए थे पानीपत के कब में पानीपत के थर्ड वर्ल्ड थर्ड युद्ध में ठीक ना पानीपत पानीपत का जो थर्ड वर्ल्ड थर्ड युद्ध हुआ था मतलब तीसरा युद्ध हुआ था उसमें मराठा सेना का नेतृत्व तो कौन किया था ठीक ना मराठा मराठा सेना का नेतृत्व तो कौन किया था यही क्वेश्चन पूछ रहा है तो पानीपत के त्री... तीसरी में जो मगाटर सेना का नेतृत्व किया था वो थे कौन सदा सीव, सदा सीव राव भाव ठीक ना सदा शिव नाव भाव किए थे क्या थे मगाटर सेना का मतलब वो, वो किए थे मतलब कि नेतृत्व किए थे ठीक ना इसी के अंदर वो लगाई लगा था ठीक ना पानी पानीपत का तीसरा जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था वो हुआ था सत्रह सौ चौसठ ईस्वी में ठीक है पानीपत का जो ती, ती, तीसरा युद्ध हुआ था वो कब हुआ था तो वो हुआ था सत्रह सौ चौसठ इसमें किसके बीच में हुआ था तो ये हुआ था अफगानों और अफगानों ठीक ना अफगानों और किसके बीच में अफगानों और मराठा के बीच में ठीक ना मराठा मराठा के बीच में अफगानों और मराठा के बीच में ठीक है मतलब अफगान की ओर से कौन थे तो अफगान की ओर से थे अहमद अहमद शाह अब्दाली ठीक ना अहमद शाह अब्दाली ठीक ना अब्दाली समझ गए होंगे अहमद शाह कौन थे तो मगाटा के सदा शिव राव भाव ठीक ना सदा शिव राव भाव सदा शिव राव भाव ठीक है तो क्वेश्चन था क्या क्वेश्चन यही था कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध लगाई हुआ था पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था उसमें मराठा का नेतृत्व तो किसने किया था तो वो करने वाले व्यक्ति का नाम था सदाशिव राव भाव ठीक ना किसके किसके बीच में हुआ था तो ये हुआ था अफगान और मराठा के बीच में ठीक ना अफगान अफगान के जो मेन थे वो थे अहमद शाह अब्दाली ठीक ना और मराठा के जो हेड थे वो कौन थे सदाशिव राव भाई लगा कब गया था तो ये लगा गया था सत्रह सौ ईस्वी में ठीक ना सत्रह सौ चौसठ ईस्वी में आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा अब हम बढ़ते हैं अगले अगले क्वेश्चन की ओर ठीक ना तो हमारा अगला क्वेश्चन ये आपके टीवी स्क्रीन पे ठीक ना तो हमारा अगला क्वेश्चन है जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य है ठीक ना जागोई नृत्य क्या है जागोई किस मतलब किस का है ठीक ना जागोई नृत्य तो देखिए जागोई नृत्य जागोई नृत्य कहाँ का नृत्य है तो ये है मणिपुर का नृत्य ठीक ना मणिपुर ठीक ना मतलब कि देखिए मणिपुर देखिए सेवन सिस्टम है ना सेवन सिस्टम में मतलब जितना भी होता है नृत्य या फिर पूरा इंडिया में जितना नेगेटिव होता है उससे क्वेश्चन आने का चांसेस ज़्यादा करता है ठीक ना क्या सब का नृत्य याद रखना होगा सब मतलब कौन देश मतलब कौन जिला कंतव सॉरी कौन तो, sorry, स्टेट में कौन नृत्य होता है वो आपको याद रखना होगा ठीक ना वो ज़्यादा नहीं है जितना स्टेट उतना नृत्य होगा वो आपको याद रखना होगा ठीक ना हाँ अगर इसी मनी मतलब जागोई नृत्य को हम क्या कहते हैं मणिपुरी नृत्य ठीक है ना ये भी याद रखिएगा मणिपुर मणिपुरी नृत्य इसी को कहते हैं किसको जागोई जागोई नृत्य को यह मणिपुर मणिपुरी नृत्य कहते हैं ठीक है जागोई नृत्य को ही अब अभी जो जागोई नृत्य है या मणिपुर नृत्य ये कैसा नृत्य है तो ये है शास्त्रीय नृत्य कैसा शास्त्रीय शास्त्रीय नृत्य है ठीक है समझ गए होंगे शास्त्रीय नृत्य भारत में कितना नृत्य कितना शास्त्रीय नृत्य वो आप बता सकते हैं कमेंट में ठीक ना देखिए क्वेश्चन था क्वेश्चन क्या था तो क्वेश्चन था कि जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य है क्वेश्चन यही था तो जागोई कहाँ का है तो जागोई है मणिपुर का ठीक ना जो इस जागोई नृत्य को हम क्या सकें मतलब दूसरा नाम इसी क्या है मणिपुर मणिपुरी पूर, मणिपुरी नृत्य ठीक ना मणिपुरी नृत्य ठीक है और ये कैसा नृत्य है तो ये एक शास्त्रीय नृत्य है ठीक ना ये एक शास्त्रीय नृत्य ठीक है होप है? आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा अगर समझ में आया होगा तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर ठीक है जो शायद ये लास्ट ही क्वेश्चन है कैसे अब ध्यान दीजिएगा तो दस क्वेश्चन हमारा हो ही गया है अगर आप बोलिएगा तो दस से ज़्यादा क्वेश्चन निकलवा देंगे हमको कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अभी स्टूडेंट कम है इसलिए हम 10 क्वेश्चन से स्टार्ट किए हुए जब जब ज्यादा स्टूडेंट होगा तो हम क्वेश्चन का क्वेश्चन का लेवल और नंबर का क्वेश्चन भी बढ़ा देंगे ठीक है देखिए क्वेश्चन क्या था क्वेश्चन है संविधान से जीएसटी संविधान से जीएसटी से संबंधित विधेयक कौन सा था संविधान से जीएसटी से संबंधित विधेयक कौन सा था क्वेश्चन यही है ठीक है देखिए देखिए संविद जो संबंधित विधेयक का संबंधी विधेयक होना सं सीधा संबंधी ना कि जीएसटी से संबंधित संबंधित विधेयक कौन है तो वो विधेयक है एक सौ एकमा विधेयक ठीक ना क्या एक सौ एकमा विधेयक ठीक है स्वागी, 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 स्वागी। गलत दिखा गया ठीक है इसको काट के लिखते फिर से देखिए इससे संबंधित जो विधेयक मतलब इससे संबंधित संविधान में जो संशोधन हुआ था वो हुआ था वो हुआ था एक सौ एकमा एक सौ एकवा संविधान संशोधन के तहत संविधान संशोधन के तहत हुआ था ठीक है और अब क्वेश्चन यह भी पूछ सकता है कि जीएसटी पूरा भारत में जीएसटी ऑल ओवर इंडिया में लागू कब हुआ था जीएसटी जो ऑल ओवर इंडिया में लागू हुआ था वो कब हुआ था तो वो लागू हुआ था एक जुलाई कहे जानते कि भारत का वित्तीय वर्ष होता है एक जुलाई से इकतीस मार्च तक इसलिए एक जुलाई को लागू हुआ एक जुलाई दो को लागू हुआ लेकिन पूरा ऑल ओवर इंडिया में लागने से पहले एक ऐसा स्टेट भी था जो अपने यहाँ पहले ही क्या कर लिया था लागू कर लिया था तो वो स्टेट का नाम क्या था तो उस स्टेट का नाम था क्या असम उस स्टेट का नाम था असम लागू कब किया था तो अफकोर्स इससे पहले मतलब कि दो हजार सोलह में वो अपना यहाँ पहले ही लागू कर लिए थे अब क्वेश्चन क्या था क्वेश्चन दस किस विधेयक से संबंधित तो, तो उस विधेयक वहाँ पे विधेयक ये नहीं होगा ठीक ना सॉरी यहाँ पे एक सौ दस लिखा गया था यहाँ पे विधेयक होगा कौन से विधेयक से संबंधित हो तो वो विधेयक था एक ठीक ना क्या था एक विधेयक ठीक है एक विधेयक आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा ठीक है तो हम शॉर्ट शॉर्ट हम सबका देखने वाले शॉर्ट रिवीजन देखने वाले जो आज क्लास किए हैं उसका हम शॉर्ट रिवीजन एक बार देख लेते तो क्वि, क्विकली रिवीजन देख लेते ठीक ना हम क्या, क्या क्या आज क्लास में देखे ठीक है, है तो चलते स्टार्टिंग से पहले तो ये था कि हम इसका क्वेश्चन आज देखने वाले डेली अढ़ाई बजे ना, ना भूले ठीक ना वही बताया था पहले में उसके बाद हमारा क्वेश्चन था मातक तो क्या होता है संवेग का ऐसा ही मात्र क्या होता है तो हम बताए थे के मीटर पर सेकेंड उसका ठीक ना के मीटर पर सेकेंड ठीक ना जिसका मतलब मोमेंटम होता है इसका इंग्लिश होता है मोमेंटम संवेकल्ट होता है प, पी पी इंटू बी यहाँ पे यहाँ पे एम क्या है एम है मास एंड भी क्या है तो भी है वेलोसिटी मतलब कि बेग ठीक है अब चलते अब आगे बताए थे कि भारत का प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी तो ये भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी तो वो थी सरोजनी नायडू सरोजनी नायडू के बारे में कुछ हम बताए थे तो बताए थे ये कि सरोजनी नायडू का जो सरोजनी नायडू का जो कार्यकाल था वो था 1947 से 1949 तक ठीक है ये ये भारतीय ये प्रथम भारतीय महिला थी ये प्रथम भारतीय महिला थी महिला थी जो क्या बनी थी कांग्रेस की क्या बनी थी अध्यक्ष बनी थी ठीक है इसकी एक बुक भी है है उस बुक का नाम था ब्रोकन ठीक और इसको मतलब क्या बोलते हैं सरोजिनी नायडू को ही हम भारत की कोकिला कहते हैं ठीक है थीके? ये भी देखे थे उसके बाद हम देखे थे कलिंग युद्ध के समय मौर्य वंश के शासक कौन था ये भी देखे थे कलिंग युद्ध के समय मौर्य वंश के शासक कौन थे तो कलिंग युद्ध के समय कलिंग युद्ध के समय जो मौर्य वंश के शासक थे वो कौन थे तो वो थे अशोक अशोक का कार्यकाल मतलब कि अशोक कलिंग पे कब अटैक किया था तो अटैक किया था दो सौ इकसठ ईसा पूर्व से लेकर दो सौ मतलब दो सौ इकसठ दो सौ बासठ ईसा पूर्व में अटैक किए थे ठीक है और उसमें आक्रमण किए और उस पर विजेता भी पाई ठीक ना विजय भी, भी पाई जिस मतलब जिस युद्ध में लगभग एक लाख लोगों की जाने गई और डेढ़ लाख लोगों को कैदी बनाया गया ठीक है और एक और क्वेश्चन इसमें से हो सकता था कि कलिंग को अपना राजधानी कौन बनाया था तो तोसली तोसली कलिंग को क्या बनाया था अपना राजधानी बनाया था ठीक है और और कलिंग युद्ध का जो कलिंग युद्ध का जो हमको जानकारी मिलती है कलिंग युद्ध का जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है तो वो कहाँ से मिलती है तो वो मिलती है तेगावे शिला लेख से तेगावा शिला कैसा शिला लेक है तो वो बहुत बड़ा शिला लेक है ठीक ना क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि सबसे बड़ा शिला लेख कौन होता है आप नो no डाउट लगाने वाले हैं तेगावे शिला लेख इज़ द बिगेस्ट शिला लेख ठीक ना इसके बाद हम देखे थे कि चीन का दीवार किसने बनवाया था चीन का दीवार किसने बनवाया था तो चीन का जो दीवार बनवाया था वो थे किन्सी हुआ ठीक ना किन्सी हुआंग किन्सी हुआंग चीन का दिमाग बन बनवाए थे कब बनवाए थे तो बनवाए थे 220 सौ बीस ईसा पूर्व से लेकर 206 सौ ईसा पूर्व के बीच में 220 से लेकर 220 से लेकर 206 सौ छः ईसा पूर्व तक ठीक है और पूछ ले कि उस समय समकालीन भारत भारत भारतीय मतलब समकालीन भारतीय वंश कौन था समकालीन भारतीय वंश कौन था तो उस समय जो वंश भारत में था वो था मौर्य वंश ठीक है अगर पूछ लें मौर्य वंश का अंत कब किया गया था तो मौर्य वंश का अंत हुआ था एक ईसा पूर्व एक ईसा पूर्व में ठीक ना अब इसके बाद हम देखे थे उसके बाद हम देखे थे सोन नदी का उद्गम स्थान कहाँ है सोन नदी का उद्गम स्थान कहाँ है तो सोन नदी का उद्गम स्थान है अमरकंटक की पहाड़ी ठीक ना अमरकंटक की पहाड़ी हम उसके बाद देखे थे कि वर्तमान में वर्तमान भारती में भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है तो वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या चार सौ पैंता से अधिक कह सकते हैं दो सौ से भी अधिक कह सकते हैं अगर ऑप्शन में एक में हो नौ सौ हो तो वो भी लगा सकते हैं कैसे तीन सौ पंचानवे क्या है मूल है पहले इतना था ठीक ना कैसे अभी भी इतना ही दिखाएगा गया गूगल वूगल तो आप अपने हिसाब से मतलब जो ऑप्शन में होगा उसके हिसाब से आप चलिएगा ठीक ना अगर अगर बात कर ले अनुसूची तो अभी अनुसूची कितनी है तो अभी अनुसूची है बाघ और भाग कितनी है तो अभी भाग कितनी है तो भाग है अभी बाईस उसके बाद हम देखे थे उसके बाद हम देखे थे क्या उसके बाद हम देखे थे फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है क्या चीज का फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है तो फीफा का मुख्यालय तो जो स्थित है वो कहाँ है में स्थित है कहा है जीविक में स्टी तो जीविक कहाँ पकता है तो वो पकता है स्विट्जरलैंड में कहा पकता है स्विट्जरलैंड में और जो फीफा का जो हुआ था गठन फीफा का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था तो वो हुआ था उन्नीस सौ चार ईस्वी में जो अभी तक चल ही रहा है ठीक है हम इसके बाद भी देखे थे तो इसके बाद देखे थे कि पानीपत का तीसरा लगाई पानीपत की तीसरी लगाई में मराठा का नेतृत्व तो किसने किया था मराठा का नेतृत्व तो किसने किया था तो हम पहले जानेंगे पानीपत का युद्ध हुआ कब था तो पानीपत का युद्ध कब हुआ था तो वो जाने थे हम सत्रह सौ चौसठ ईस्वी में अब पानीपत का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था तो अफगान वक्से मराठा के बीच में तो अफगान की ओर से जो अफगान की ओर से जो हेड था वो था कौन अहमद शाह अब्दाली ठीक ना अहमद शाह अब्दाली और मराठा की ओर से थे तो वो थे सदाशिव राव भाव ठीक ना सदाशिव राव भाव ठीक है ये हम देखे थे इसके बाद हम देखे थे जागोर नृत्य किस राज्य का नृत्य है जागोइन नृत्य किस राज्य का नृत्य है ठीक ना तो ये मणिपुर का जागोईन नृत्य को हम क्या कहते हैं मणिपुरी नृत्य कहते हैं ठीक ना मणिपुरी नृत्य कहते हैं ठीक ना मणिपुरी नृत्य कैसा नृत्य है तो ये है शास्त्रीय नृत्य कैसा शास्त्रीय नृत्य है ठीक है हम उसके बाद देखे थे संविधान से संविधान से जीएसटी से संबंधित विधेयक कौन सा था ठीक ना हम पहले जानेंगे कि जी, मतलब जीएसटी किस किस संविधान संशोधन के तहत तो संविधान में जोगा गया था तो वो जोगा गया था एक सौ एकवा संविधान संशोधन ठीक ना एक सौ एकवा संविधान संशोधन जीएसटी ऑल ओवर वर्ल्ड में मतलब गया, sorry, में कब हुआ था तो, तो वो लागू हुआ था एक जुलाई दो हजार सत्रह में, मतलब में लागू होने से पहले ही लागू लाग कब लाग तो लाग हुआ था तो असम में लागू हुआ था दो हजार सोलह ईस्वी में ठीक है क्वेश्चन था कि संविधान से जीएसटी से विधेयक जीएसटी से संबंधित विधेयक कौन सा था तो वो विधेयक था एक सौ बाईसवा एक सौ बाईसवा विधेयक ठीक ना एक सौ बाईसवा विधेयक था क्या थी जी से संबंधित ठीक है हम उसके बाद क्या हुआ था इसके बाद हम करते क्या चीज सेशन को एंड अगर, अगर अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो आप चाहते हैं कि हम इस नंबर ऑफ क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन और बढ़ा तो कमेंट में कमेंट आप नीचे लीव कर सकते ठीक ना कमेंट में आप अपनी रा, अपनी राय कर सकते हैं अगर आप कहें टेंथ का स्टूडेंट अगर टेंथ के स्टूडेंट है तो आप कमेंट कीजिए कि आपको कौन से टॉपिक की वीडियो चाहिए उस टॉपिक की वीडियो लाया जाएगा ठीक है तो फिर मिलते हैं हम आठ बजे आठ बजे रात को तब तक के लिए जय हिंद जय भारत